अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। नेता से अभिनेता तक लगातार राम के दर पर पहुंच रहे हैं। जहां अभी हाल ही में सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दर्शन के लिए पहुंचे थे, इसी कड़ी में अब उत्तराखंड सीएम भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। मंगलवार को मंत्रिमंडल के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से चार्टर विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महानगर भाजपा अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में उनका स्वागत किया। सबसे पहले सभी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, जिसके बाद फिर राम मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी और उत्तराखंड के कैबिनेट के सभी सदस्यों ने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान पूरा परिसर श्री राम के नारों से गूंज उठा। उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्य, चाहे वो कोई भी हो, सभी भगवान राम की भक्ति में विलीन दिखे। सीएम धामी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, आज राम युग आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जैसे ही हमें यूपी सरकार द्वारा जमीन मिलेगी, हम यहां पर उत्तराखंड सदन बनाएंगे, जिससे उत्तराखंड से आने वालों को किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही राम मंदिर के निर्माण को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी का धन्यवाद किया। अलौकिक है, अद्भुत है, और जिसकी प्रतीक्षा लंबे कालखंड से रही है, वो स्वप्न और वो संकल्प पूरा हुआ है। भगवान से प्रार्थना की है कि राज्य की, हमारे देश की सुख समृद्धि हो। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। आज ये कालखंड हमको देखने को मिला है, जहां मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, वहीं राम राज्य राम युग फिर से प्रारंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास हुआ है, और ये दिन सबको देखने को मिला है। हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रदेश में और देश में इस प्रकार की सरकारें काम कर रही हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के 5 सहयोगी वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज, रेखा आर्या, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल के साथ अयोध्या आए थे। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल भी उनके साथ मौजूद रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।